महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देश के मशहूर पर्यटन स्थल लोनावला खंडाला में बारिश का मजा लेने आए सैलानियों के साथ अलग अलग हादसे होने की खबर सामने आई है। इस दौरान दो सैलानियों को बचा लिया गया है और एक पर्यटक की पानी में डूबकर मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि लोनावला खंडाला और मावल इलाकों में बारिश से कई सारे गांव और सड़कें लबालब भरे हुए हैं। इसके बावजूद बेखौफ होकर बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से सैलानी यहां मौज मस्ती करने आ रहे हैं। पहला हादसा मावल इलाके की इंदौरी कुंडमाला से सामने आया। एक बांध पर पानी में मस्ती करते हुए 22 वर्षीय रोहन किशोर सोनटक्के का पैर फिसला और वह पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। गलीमत रही कि उस जगह तैनात रेस्क्यू टीम ने समय रहते रोहन की जान बचा ली। रोहन सोलापुर जिले का रहने वाला था और अपने एक मित्र के साथ घूमने आया था। दूसरा हादसा लोनावला के विसापुर किले के करीब एक झरने से सामने आया है। पुणे का 21 वर्षीय यश मेहता अपने दोस्तों के साथ बारिश का लुत्फ उठाने आया था, लेकिन उसका पैर फिसल गया। स्थानीय रेस्क्यू टीम की मदद से 80 फीट गहरे खाई में गिरने से पहले ही उसे बचा लिया गया। इस हादसे में यश गंभीर रूप से घायल हो गया है और निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह मुंबई में हो रही भारी बारिश के बीच 19 वर्षीय साहिल सरोज अपने दोस्तों के साथ लोनावला के मशहूर भूसी डैम पर घूमने आया था। साहिल का पैर फिसला और देखते ही देखते अपने दोस्तों के सामने तेज बहाव पानी में बह गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक, पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने खोजने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के बाद सरोज का शव डैम के किनारे मिला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।